बारिश तो भरपूर होती थी, ऐसा नहीं था कि अकाल पड़ा तो बारिश नहीं आई इसलिए अकाल। भुखमरी इसलिए हुई कि जमीनें छोड़ दी किसानों ने, उत्पादन ही नहीं किया 50 साल 60 साल 70 साल, तो भुखमरी की हालत आई। तब एक अंग्रेज अधिकारी आया है और भारत में घूम रहा है 50 साल के बाद, तो वो लिख रहा है अपने पत्र में, वो जज है, अंग्रेज जज है, वो लिख रहा है, इंडियन पीजेंट्स आर वेटिंग सिंस लॉन्ग फॉर जस्टिस, न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं भारत के किसान। न्याय क्या, जब कोई दूसरी सरकार आए जो इनकी जमीनें वापस दिलाए, इनके ऊपर टैक्स के कानून हटाए, इसके इंतजार में सालों से बैठे हैं भारत के किसान। ये एक अंग्रेज अधिकारी है, जस्टिस लैंस्टर है, बहुत बहुत बड़ा न्यायविद माना जाता है लंदन का, बहुत बड़ा जज रहा है, उसका ये एक जजमेंट में उसने लिखा है, वो घूमा है कनाडा रीजन में, और वो कहता है कि मैं आंखों से आंसू रोता हूँ, खून के आंसू रोता हूँ, मैं देख नहीं पाया हिंदुस्तान के किसानों की इतनी बड़ी दुर्दशा क्यों है, हमारी सरकार ने, वो अपनी सरकार को ही गाली दे रहा है इस जजमेंट, और भारत के किसान सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, न्याय मिले माने उनकी जमीनें उनको वापस मिले और उनको टैक्स जो इतना ज्यादा लगा हुआ है ये हटा दिया जाए। नेक्स्ट, अब देखिए बहुत सुंदर वो है, ये एक अंग्रेज अधिकारी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इंडिया बिकेम लॉलेस फ्रॉम द मोमेंट शी पास्ड अंडर अवर गवर्नमेंट। 1773 में ये लॉर्ड नॉर्थ करके एक अधिकारी है, इंग्लैंड का है, वो मिनिस्टर रहा है, वो ब्रिटिश म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम को जो म्यूजियम का मंत्री होता है वैसा मंत्री है, तो 1773 में 24/4/1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर रहा है, भाषण दे रहा है, और वो कह रहा है कि जिस दिन से भारत हमारे कब्जे में आया है उसी दिन से भारत लॉलेस माने कानून विहीन हो गया है, जबकि अंग्रेज कहते रहे हैं कि हम भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आए हैं। आपने सुना हर अंग्रेज अधिकारी कहता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से वही अंग्रेजों के शब्द को आज के नेता दोहराते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। वो अंग्रेज कह रहा है कि जिस दिन से भारत हमारे कब्जे में आया उसी दिन से लॉलेस हो गया, उसी दिन से कानून और न्याय को यहां खत्म ही हो गया, वो खुद स्वीकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए, जमीन सब छीन लिया, तो बचा क्या। नेक्स्ट, अभी देखिए एक बहुत सुंदर एक ये डॉक्यूमेंट है। अंग्रेज क्या करते हैं, जमीन छीन लिया किसानों से, टैक्स भयंकर लगा दिए, अब क्या कर रहे हैं, वो भारत के राज्यों में वो जाते हैं, राज्यों से मतलब अनेक अनेक शहरों में, और वहां के राजाओं को सूचना भेजते हैं कि देखो हम सोमवार को आएंगे, इतना पैसा हमको चाहिए, सीधे हम सोमवार को आएंगे, 30 करोड़ रुपया चाहिए, आप इकट्ठा करके रखना, नहीं तो हम आपके नगर के लोगों को लूटेंगे। ये दादागिरी उन्होंने शुरू किया, फौज बना के सीधे, जैसे आजकल होता है ना टपोरी किस्म के जो गुंडे हैं बंबई में, दाऊद इब्राहिम है और वो पता नहीं छोटा राजन, बड़ा राजन, भाई सलीम और क्या क्या है, वो सीधे चिट्ठी भेज देते हैं, भैया इतना भिजवा दो नहीं तो उठा लेंगे तुमको, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे पीटे। वैसे ही अंग्रेज करते हैं, बाकायदा राजाओं को चिट्ठियां भेजते हैं कि हम एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद आपके यहां आएंगे, 30 करोड़ रुपए रखना तैयार, या 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखना, या 30 करोड़ चांदी की मुद्राएं रखना, अगर नहीं रखा तो आपके लोगों को लूटेंगे। तो ये दस्तावेज है, लार्ज सम ऑफ मनी इन लीव ऑफ स्प्लेंडर ऑफ सिटी, माने शहरों को लूटने के बदले में भयंकर धन इकट्ठा किया अंग्रेजों ने इस देश में, और वो धन सीधे इंग्लैंड गया, और ये एक नहीं 50,000 अंग्रेज अफसरों ने 250 साल ये किया इस देश में, 50,000 जो जहां मौका मिला वहीं लूटने चला गया, या तो दे दो नहीं तो मैं शहर लूटता हूं। और लूटने में क्या क्या आता है, कुछ भी, आपकी पत्नी को लूट सकते हैं, बेटी को लूट सकते हैं, बच्ची को लूट सकते हैं, सोना चांदी तो लूटेंगे ही आपके घर से, और कुछ भी लूट के ले जा सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हराया। जब पहले एक बार तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया, टीपू सुल्तान के पहले हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, फिर टीपू सुल्तान अंत में अंग्रेजों से हारा। तो अंग्रेज जब हार गए, मानी टीपू सुल्तान जब हार गया तो टीपू सुल्तान को इन्होंने मरवा दिया, और टीपू सुल्तान ने जब अंग्रेजों को हराया तो उसने किसी को नहीं मरवाया, उसने सबको छोड़ दिया। तो जब टीपू सुल्तान हार गया, उसको मरवा दिया, तो उसके महल को लूटा अंग्रेजों ने, महल को लूटा टीपू सुल्तान। तो कितना लूट कर ले गए उसके महल में से, उसके ये बेटा सिर्फ अकेले टीपू सुल्तान के महल में से उन्होंने जो संपत्ति लूटी है 4,71,014 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड, 4,71,014 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। आज एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड 86 रुपए का है। उस जमाने में अकेले टीपू सुल्तान के महल में से इतना उन्होंने लूटा है। और ये जो लूट उन्होंने की है, इसमें से कमीशन बांटा किनको, जिन अधिकारियों ने लूटने में मदद की। तो हाँ, कमीशन बांटा गया 22,779 स्टर्लिंग पाउंड। तो नेट जो बचा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज दिया उन्होंने। तो नेट जो भेजा 4,55,581 स्टर्लिंग पाउंड, इतना उन्होंने खाली टीपू सुल्तान के महल से लूट कर भेजा। पूरे राज्य की बात नहीं हो रही है, सिर्फ टीपू सुल्तान का महल। और ये जो है ना, वो कैश है, काइंस में क्या है उसका कोई हिसाब नहीं, ये तो कैश। काइंस में क्या क्या है, आपने थोड़े दिन पहले सुना टीपू सुल्तान की तलवार जो अंग्रेज उठा ले गए थे, उसको अभी विजय माल्या नाम का एक भारतीय सांसद है जो दारू का धंधा करता है, वो वापस लेके आया एक तलवार। तो वो तलवार म्यूजियम में से लाया, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में ऑक्शन हो रही थी, तो उसको पता चला ये टीपू सुल्तान की तलवार है, तो वो ले आया। तो कितने की है, 49,000 पाउंड की तलवार है, माने 86 का गुणा कर लो उसमें, तो एक तलवार वो ले आया। तलवार में खासियत क्या है, उसकी मूठ जो है ना सोने की है और हीरे जड़े हुए हैं उसमें। आगे की तलवार तो जो है वैसी है, पकड़ने वाला हिस्सा सोने का है, हीरे जड़े हुए हैं। और ऐसी मैंने उससे पूछा था विजय माल्या से, कितनी तलवार है, उन्होंने कहा सैकड़ों में। काइंस में तो कितना है कुछ कल्पना नहीं। कभी कभी आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें एक आध खबर आ जाती है कि लंदन में सरकार ने, उनकी एक संस्था है उसका नाम है सुदेवी, सुदेवी नाम की संस्था ने भारत का सामान नीलाम किया, भारत का सामान माने जो लूट कर यहां से वो ले गए। तो अभी थोड़े दिन पहले एक कप और एक प्लेट नीलाम हुआ था, टीपू सुल्तान के खजाने में से ले जाया गया कप और प्लेट। अभी 6-8 महीने हो गए, सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे आया था, दैनिक भास्कर में उसकी फोटो भी आई थी कप और प्लेट की। तो कप प्लेट नीलाम हुआ 3.5 लाख स्टर्लिंग पाउंड में, कप और प्लेट। कप के चारों तरफ हीरे जड़े हुए हैं, प्लेट में नीचे हीरे लगे हुए, 3.5 लाख। और आप जरा कल्पना करो कि अगर कप प्लेट इस कीमत के हैं, तो वो कोहिनूर हीरा जो उनके पास आज तक है, और कोहिनूर हीरे जैसे सैकड़ों हजारों हीरे जो उनके खजाने में है, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये सब यहां से लूट लूट के ले। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि हमने कॉन्क्वेस्ट किया तो आपका सब कुछ हमारा हो गया, आपको जीत लिया तो सब कुछ आपका हमारा हो गया। ये जो फिलॉसफी है कॉन्क्वेस्ट की, ये सबसे खतरनाक है। आपके ऊपर हम चढ़ बैठे, अब तो आपका सब हमारा। तो ऐसे ऐसे लूट। नेक्स्ट, इसमें ऐसे ही और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 1761 का एक दस्तावेज है, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तागोंग करके, अभी ये डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में चला गया बंटवारे के बाद। तो वहां का अधिकारी बोल रहा है कि जिस जमीन पर पहले 1 रुपया अधिक से अधिक टैक्स दिया है भारत के किसानों ने अपने राजाओं को, उस जमीन पर हमने आने से ही 5 रुपये टैक्स कर दिया, 5 गुना आते ही। जिस पर 1 रुपये टैक्स देते थे, अब 5 रुपये दे रहे हैं, माने 500% टैक्स इंक्रीज एक साल में, एक झटके। नेक्स्ट,
फॉर्मर कलेक्शन ऑफ दिनाजपुर, दिनाजपुर एक इलाका है बंगाल में, वो एक तालुका है, वहां से कलेक्शन कितना कर रहे हैं। भारत में अधिक से अधिक दिनाजपुर से कभी कलेक्शन इकट्ठा किया गया 11 से 12 लाख रुपए। उसी दिनाजपुर से अंग्रेजों ने एक साल के अंदर 78 लाख रुपए इकट्ठा करना शुरू कर दिया टैक्स के लिए, माने 7 से 8 गुना। अब इतना ज्यादा आपसे लूटा जाएगा तो क्या होने वाला है, समाज तो खत्म होने वाला है। तो इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी जो आज हमारे देश में दिखाई देती है वो इस लूट के कारण है, ना कि कोई दैवीय प्रकोप के कारण, ना तो कोई दैवीय आपत्ति के कारण। और ये सारी लूट की व्यवस्था टैक्स के माध्यम से हुई है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। माने जितना ज्यादा टैक्स लोगे जनता से, जनता उतनी गरीब होती चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा अंग्रेज अधिकारी है, बहुत कम ऐसे अधिकारी हुए हैं, ड्यूक्रेन करके एक अधिकारी है, वो ये कह रहा है कि भारत में पहले जो राजा होते थे वो टैक्स लेते थे, लेकिन उस टैक्स को लोगों के ऊपर ही खर्च करते थे, तो लोगों का पैसा लोगों को वापस मिल जाता था, राजा के पास कुछ नहीं जाता। आप इसको ध्यान दीजिए, राजा ने टैक्स लिया आपके ही ऊपर वापस खर्च कर दिया। कैसे? कुंभ का मेला लगाया, जैसे हर्षवर्धन की कहानी आप सबने सुनी, 5 साल टैक्स इकट्ठा करता था, जितना पैसा आता था वो सब कुंभ के मेले में खत्म करता था, खर्च करता था, और कुंभ के मेले में खर्च करने के बाद फिर जीरो करता था अपने खजाने को, फिर नए सिरे से टैक्स इकट्ठा करता था, फिर अगले कुंभ में खर्च करता था। तो लोगों से लिया हुआ पैसा लोगों पे ही खर्च करना, इसका माने लोगों का पैसा लोगों के पास वापस आ गया, माने गया कुछ नहीं उनके यहां से। तो अंग्रेज कह रहे हैं कि हमसे पहले भारत में जो राजा आते थे वो जितना टैक्स लेते थे वो भारत के लोगों पे ही खर्च करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन भेजना शुरू कर दिया। तो इकट्ठा यहां से होता था, खर्चा लंदन पे होता, तो लंदन समृद्धशाली हुआ, भारत गरीब हो गया। नेक्स्ट, बंगाल में 1775 में ब्रिटिश इंक्रीज लैंड टैक्स फोरफोल्ड, 4 गुना बढ़ा दिया एक साल में। ये रॉबर्ट क्लाइव जब से आया बंगाल में उसी समय से 4 गुना टैक्स कर दिया किसानों का। नेक्स्ट देखिए, बहुत सुंदर ये स्टेटमेंट है, एक अंग्रेज अधिकारी है वॉरेन हेस्टिंग्स, उसका नाम आप सब जानते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड की संसद में भाषण दे रहा है, क्या कह रहा है, पॉपुलर्स एंड ऑपुलेंट बंगाल बिकम्स इम्पॉवरिश्ड इन 15 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। पॉपुलर्स माने जनसंख्या के स्तर पर बहुत बड़ा, उसको पॉपुलर्स कहते हैं। ऑपुलेंट माने समृद्धशाली, जनसंख्या के रूप में और समृद्धि के रूप में भारत का सबसे संपन्नशाली राज्य हमारे 15 साल के शासन में भयंकर गरीब और भुखमरी का शिकार हो गया, वो खुद स्वीकार कर रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स, वो भाषण दे रहा लंदन, कह रहा हमने 15 साल में इतना लूट लिया बंगाल को कि ये पूरा भिखारी और कंगाल हो गया मात्र 15 साल, जो कि आज से थोड़े दिन पहले बहुत समृद्धशाली होता था, इतना टैक्स हमने लूटा है इससे। तो इसको शाबाशी मिली वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो उसको कहा गया कि तुम कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था करो कि ये लूट इसी तरह से चलती रहे। तो उसने एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया इस देश में, जिसको आज हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत क्रांतिकारी था, स्थायी भूमि बंदोबस्त यहां करके चला गया। पढ़ते हैं ना बचपन में स्थायी भूमि बंदोबस्त, वो यही स्थायी बंदोबस्त है कि लूट की व्यवस्था बदस्तूर चलती रहे, ऐसी कोई परमानेंट व्यवस्था करो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने वही किया। नेक्स्ट, अच्छा ये अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये क्या है कि जब वो टैक्स वसूलते थे और कोई टैक्स नहीं देता था तो पेनल्टीज क्या है। आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, देख लिया कितना लगा दिया, आप नहीं भरे तो दंड कितना है। तो दंड के ये दस्तावेज है, दंड कितना है, 50 कोड़े मारे जाए आपको, दंड सबसे न्यूनतम दंड 50 कोड़े, और कोड़ों में लोहे के कीले लगे हुए, साधारण कोड़ा नहीं, लोहे के कील लगे,
तो सामान्य रूप से इस दस्तावेज में ये कहानी बताई गई है कि 5 या 6 कोड़े खाने के बाद ही आदमी बेहोश हो जाता है, 50 तो पढ़ना मुश्किल ही। तो बेहोश हो गया तो उसको अंग्रेज छोड़ते थे, फिर होश में आने के बाद बाकी 45 कोड़े मारते थे। ये चलता था। अत्याचार की इंतहा हुई है इस देश में। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर रीड करके एक अंग्रेज अधिकारी है, वो बता रहा है भारत में कि हमने जो कोड़े मारे हैं और उसमें से जो तकलीफें हुई हैं। नेक्स्ट, इसको छोड़िए, वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट 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 हाँ, देखिए, अब ये एक अंग्रेज अधिकारी है, वो अंग्रेज संसद में कह रहा है, कैप्टन थॉमस मुनरो करके है, जो बाद में भारत का गवर्नर बना है, वो कह रहा है कि हम अंग्रेजों के किसानों की स्थिति के बारे में बता रहा है कि इंग्लैंड में किसी भी किसान को कुल उत्पादन का 20% से ज्यादा नहीं दिया जाता। किसान अगर खेती करता है, खेती अंग्रेजों की है, किसान उस पर मजदूरी करता है, तो मजदूरी जो करने वाला किसान है उसको कभी भी कुल उत्पादन का 20% से ज्यादा नहीं दिया जाता। और वो कह रहा है कि इतना ही उसके जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, इसलिए हम नहीं देते उससे ज्यादा। तो भारत में भी उन्होंने क्या किया है, इसी तरह के कानून बनाए हैं कि मजदूरों को उतना ही मिलना चाहिए जितना उनके जिंदा रहने के लिए काफी है। इसलिए आज भी हिंदुस्तान के मजदूर को एक दिन में 60-70 रुपए 80 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। वो नियम अंग्रेजों के जमाने से चला आया। आज जो हम बात करते हैं ना, हिंदुस्तान के मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है, दिन में 80 रुपए 83 रुपए, ये 1793 से चला आ रहा नियम है। मजदूरों को उससे ज्यादा मिलना ही नहीं चाहिए जितने में वो जिंदा रह सकते हैं। तो उन्होंने हिसाब जोड़ लिया, एक मजदूर दिन में अगर 500 रुपए का काम करे तो 100 रुपए से ज्यादा उसको नहीं मिलना चाहिए। ये है नियम 20%। अगर 1000 रुपए का काम करे तो 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए उसको एक दिन। तो उसी के हिसाब से यहां मजदूरी की दरें फिक्स की गई हैं भारत में, और उन्हीं मजदूरी की दरों के आधार पर किसानों के द्वारा उत्पादन किए हुए वस्तुओं का सपोर्ट प्राइस तय होता है आज भी इस देश में। और इसलिए इस देश का मजदूर और किसान भयंकर गरीबी में है। और यही फॉर्मूला सर्विस क्लास से लागू नहीं होता। सर्विस क्लास माने बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, प्रोफेसर हैं, टेलीकम्युनिकेशन, उन पे लागू नहीं होता। उन पे भी अगर ये लागू हो जाए तो 2 मिनट में उनको समझ में आ जाए। उन पे ये नहीं है, मेयर सब्सिस्टेंस का फॉर्मूला मजदूरी करने वाले लोगों पर ही है, और भारत का 80% वर्ग मजदूरी वाला है, इसलिए आज भी भयंकर भुखमरी गरीबी का शिकार है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि आप कितने भी प्रधानमंत्री बदल लो, अटल बिहारी वाजपेयी को ले आओ और उनसे भी अच्छा कोई है तो ले आओ, ये कानून और नियम जब तक चलते रहेंगे हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं होने वाली, भुखमरी दूर होने वाली नहीं है। एक पंचवर्षीय योजना चलाओ या 50 पंचवर्षीय योजना, क्योंकि गरीबी भुखमरी के जड़ में ये है। कोई व्यक्ति नहीं है, हम लोग व्यक्तियों पे गुस्सा करते हैं, ये सरकार ने खराब कर दिया, वो सरकार ने, जब नियम कायदे कानून इस तरह के बने हुए हैं अंग्रेजों के जमाने के, तो सरकार कोई क्या करे। आज भी किसानों के मजदूरी को अनस्किल्ड लेबर कहा जाता है, वो इसी बेसिस पे कहा जाता है। तो जब तक ये नियम कायदे कानून नहीं बदलते, और जो खतरनाक नियम कायदे कानून आने जा रहे हैं उनको हम नहीं रोकते, तब हिंदुस्तान में यही दृश्य दिखने में आएगा। जैसे आजकल मैं छत्तीसगढ़ आता हूं तो सड़क पे 4 बड़े साइन होर्ड लगे हैं कि गरीबी को अलविदा, सरकार ने लगा रखे छत्तीसगढ़ सरकार, गरीबी को अलविदा, कैसे 613 करोड़ रुपया गरीबी उन्मूलन योजना के तहत सरकार इस्तेमाल करने जा रही है। सालों से गरीबी उन्मूलन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जो दिया जा रहा है, अगर वो सीधे बांट दिया जाता तो एक एक आदिवासी को 16 लाख रुपये मिल जाता, तो हर आदिवासी लखपति हो जाता छत्तीसगढ़। तो सरकार ने बोर्ड लगा रखा गरीबी उन्मूलन,
गरीबी को अलविदा, क्योंकि हम 600-1300 करोड़ बांट रहे हैं। अब बांटते रहो, व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है, नियम ऐसे चल रहे हैं, लाभ किसी को नहीं मिलने वाले। तो किसानों की गरीबी तो नहीं दूर होगी, अधिकारियों की और नेताओं की दूर होगी। वही देश में 10 पंचवर्षीय योजनाओं से यही हो रहा है। बार बार कहते हैं ना गरीबी दूर नहीं हो रही है, गरीब दूर होते जा रहे हैं समाज से, वो इन कारण। नेक्स्ट, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट दस्तावेज है आपके बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए। बोल रहे हैं इंग्लैंड से यहां बैंकें आई, सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड यहां आए भारत में। तो किया क्या उन्होंने, एक्सटेंसिव ब्रिटिश यूजुरियल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी की एक रिपोर्ट है, गवर्नर हॉबर्ट लिख रहा है। यूजुरियल क्या होता है प्रैक्टिसेस, यूजुरियल प्रैक्टिसेस का माने जबरदस्ती कर्जा देना, जबरदस्ती कोई लेना नहीं चाहता फिर भी देना, क्यों देना, ताकि ब्याज लिया जाए और ब्याज देते 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 खाली हो जाए तो उसकी सारी संपत्ति ले ली जाए। ये इन्होंने शुरू किया अंग्रेजों ने आके हिंदुस्तान, और उसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। बाद में वो इंपीरियल बैंक बनी और इंपीरियल बैंक ही आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजों का बनाया हुआ बैंक है, इंपीरियल बैंक था पहले, अब उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1947 के बाद कहने लगे। तो ये बैंक आया किस लिए, जबरदस्ती कर्ज देने के, ताकि आप कर्ज लें तो ब्याज बैंकों को दें, ब्याज से बैंकें चलती हैं। तो भारत में क्या होता था, कोई कर्ज लेता नहीं था, क्योंकि कर्ज लेना यहां बहुत तकलीफ की बात मानी जाती है। पुरानी परंपरा हिंदुस्तान में ऐसी है कि जो करना है बिना कर्ज के करो, कर्ज लेना है तो बहुत तकलीफ है, हर एक बुजुर्ग आपको यही कहेगा। तो भारतवासी कर्ज लेते लेते तो जबरदस्ती मार के पीट के उनको कर्ज दिया जाता। फिर ब्याज की दरें कैसी रखी जाती थी, तो ब्याज की दरें ऐसी है 85% ब्याज भरो, 100 रुपए कर्ज लिया 85 रुपया ब्याज में, 90 रुपए ब्याज में दो, 95 रुपए ब्याज में दो, और 40 साल तक तो 100 का 100 रुपए ब्याज में दो, और जबरदस्ती कर्ज लो और ब्याज नहीं भरो तो अपनी जमीन दे दो, उनको गहने दे दो, संपत्ति दे दो। ये पूरे देश में इन्होंने चलाया, उस पर से ये बैंकिंग सिस्टम आया। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरी कहानी है और आगे मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट इसमें एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। एक किसान को इन्होंने 100 रुपए कर्ज दिया, 100 रुपए, फिर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, चक्रवर्ती ब्याज अंग्रेजों ने शुरू किया भारत, पहले भारत में कभी चक्रवर्ती ब्याज नहीं होता है, चक्रवर्ती ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना बचपन, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो इसमें एक कहानी है, वॉरेन हेस्टिंग्स लिख रहा है उस कहानी को, कि हमने एक किसान को 100 रुपए कर्ज दिया, चक्रवर्ती ब्याज लगा के उससे हमने 75,000 रुपए ब्याज में ले लिया, 100 रुपए कर्ज दिया, और अभी भी मूलधन उस पर बाकी है, 100 रुपए देके 75,000 ब्याज में ले लिया, अभी 100 रुपए मूलधन बाकी है। तो हम बहुत सफल हैं भारत में, ऐसा वो कह रहा, ऐसे ही हम चलाते जाएंगे इस देश को तो ये देश हमारे कब्जे में ही रहने वाला है। माने हर तरह से लूटना, टैक्स लगा के लूटना, जबरदस्ती लूटना, कर्ज देके लूटना, जबरदस्ती कर्ज देना, कहीं से भी छोड़ना नहीं आपको, और लूट लूट के सब इंग्लैंड लेके जाना। नेक्स्ट अब देखिए एक अंग्रेज अधिकारी है, विलियम बेंटिंक का नाम सुना, जिसके बारे में हमारे इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ, बड़ा क्रांतिकारी था, समाज सेवी था, समाज शोधक था, उसने सती प्रथा का अंत करा दिया, अंग्रेजी शिक्षा, उसका असली रूप ये दस्तावेज बताता है। विलियम बेंटिंक खुद 1804 में जब गवर्नर है बंगाल का, तो वो इंग्लैंड को एक चिट्ठी लिख रहा, माने राजा को, इंग्लैंड के राजा, उसमें लिख रहा है, वी हैव रोल्ड द कंट्री टू हार्ड, ग्रेट ऑपरेशन एक्सरसाइज रिजल्टिंग इन लेमेंटेबल पॉवर्टी।
माने इस देश को इतना बुरी तरह से रौंदा है हमने, जिसका दुष्परिणाम हुआ है कि भयंकर गरीबी में भारत फंस गया। वो खुद कह रहा मिलियन मेंटे, इतना बुरी तरह से रौंदा है इस देश को, लूटा है इतना बुरी तरह से कि आज इसका दुष्परिणाम है कि पूरा देश भयंकर भूखमरी में फंस गया है, जिसके बारे में हमारे इतिहास में बताया जाता बड़ा महान बड़ा क्रांतिकारी, उसने ऐसी लूट मचाई है, वो खुद कह रहा। और इतिहास की किताबों में बड़ा फोटो है विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन रॉय, दोनों बड़े भारी दोस्त थे। और हमारे बच्चे बचपन में उसको ही रखते रहते, रट के जाके इम्तहान में लिख के आते हैं, 100 में से 90 नंबर पाते हैं, अभी भी विलियम बेंटिंक को वो भूलते नहीं, जिसने कहा है कि हमने इतनी बुरी तरह से रौंद दिया इस देश को कि ये देश भयंकर भुखमरी और गरीबी में फंस गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये टैक्सेशन पर डिटेल बहस हुई है इंग्लैंड में 1813 में, क्या क्या टैक्स लगाए जाए भारत में। तो जमीन पे तो लगा दिया, जितना उत्पादन कर रहे हो पूरा दे दो। अब इंडस्ट्रीज पे कैसे टैक्स लगाए जाए, तो उसका डिटेल डिबेट है, जिसको मैं अक्सर भाषण में कहता हूं कि भारत का कोई भी व्यक्ति उत्पादन करता है तो एक्साइज ड्यूटी लगाओ, माल बेचता है तो सेल्स टैक्स लगाओ, देश से मुनाफा कमाता है तो इनकम टैक्स लगाओ, एक गांव से दूसरे गांव में लेकर जाता है तो टोल टैक्स लगाओ, रोड टैक्स लगाओ, हर तरफ से टैक्स लगाते जाओ। वो डिबेट यही वाली मुनरो कह रहा है, थॉमस मुनरो, कि कोई छोड़ो मत टैक्स, और टैक्स जितना ज्यादा लोगे हम उतने अमीर बनेंगे, भारत उतना गरीब बनेगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थॉमस मुनरो कह रहा है कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, जबरदस्ती टैक्स वसूलना। वो कह रहा है कि मेरी सबसे ज्यादा लाइकिंग क्या है, जबरदस्ती टैक्स है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो वो कह रहा है कि आप मुझे इन्हीं काम में लगाए रखो भारत, और वो कह रहा है कि लोगों से मुंह से टैक्स छीन लेना मुझे बहुत आनंद देता है। मुंह से टैक्स छीन लेना माने रोटी छीन लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ रेट रेंटिंग। अब देखो ये एक और इंटरेस्टिंग है, रेट रेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना यूजुरियल प्रैक्टिसेस, जबरदस्ती कर्ज देना। अभी ये रेट रेंटिंग क्या है, अंग्रेज हिंदुस्तान के राजाओं से उनके महल छीन लेते थे, उनके घर छीन लेते थे, घर छीनकर महल छीनकर किराए पर उठाते थे उन्हीं को जिनके वो होते थे। हाँ, आपके आपके घर में अंग्रेज घुस गए, आपको किराएदार बना दिया, घर के मालिक वो हो गए। अब आप घर में रहिए और किराया देते रहिए, और किराया कितना, जितने ब्याज हैं वैसे ही किराया, तो घर भी उनका हो गया, किराया भी उनको मिल रहा है। इसको रेट रेंटिंग कहते थे, जबरदस्ती किराएदार बना के जबरदस्ती किराया वसूलना, तो मालिकों को किराएदार बना के रखना, ये उन्होंने किया इस देश। तो जमींदारों की हवेलियां छीन ली, राजाओं के महल छीन लिए, बड़े किसानों के घर छीन लिए, और उसमें उन्हीं को किराएदार बना के रखे। तो बेचारे उनके पास जितनी भी संपत्तियां थी वो किराए में चली गई सब, ये चलता। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर एक इंटरेस्टिंग काम उन्होंने क्या किया, जो जमीन थी हमारे देश में किसानों के पास, वो जमीन को कॉमर्शियल यूज के लिए डिक्लेयर करके व्यापारी और उद्योगपति, जो अंग्रेज व्यापारी उद्योगपति थे, उनके हाथ में ट्रांसफर कर दिया। और उसमें से एक दलाल वर्ग पैदा हुआ इस देश में, जो जमीन नहीं रखता था लेकिन जमीन की मिल्कियत उसकी हो गई। वो दलाल वर्ग आज भी इस देश में है, अंग्रेजों के जाने के बाद भी आया है। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, वो सब अंग्रेजों की औलाद है। ये बिल्डर लोगों के पास जमीन कहां से आई है, अंग्रेज लेके चले गए, फिर वो सनातन बन गया, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो किसानों से जमीन लेना और कॉमर्शियल इंटरेस्ट वाले लोगों को देना, ये अंग्रेजों ने किया। तो पूरी सोसाइटी छिन्न भिन्न हो गई इस देश में। नेक्स्ट नेक्स्ट,
नेक्स्ट।